दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जिनके वर्किंग मैकेनिज्म को देखकर आपको वाकई मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के अपने इस पहले गैजेट के साथ। नंबर 12, हाई मैक हर्बी 50। खेतों में आपने काफी सारी खरपतवार को लगे हुए देखा होगा जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को तो कम करती ही हैं और साथ ही साथ फील्ड को पूरी तरीके से कवर कर देती हैं, जिसमें कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए फार्मर्स टाइम टू टाइम अपनी फील्ड्स को साफ करते रहते हैं, यानी कि उन जंगली पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक देते हैं जिनसे कि उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन इस काम को करने में काफी समय जाता है और साथ ही साथ काफी मुश्किल भी होती है, लेकिन इस गैजेट की मदद से इस काम को आसानी से किया जा सकता है। ये एक तरीके की ऑटोमेटेड मशीन होती है जिससे कि आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं और ये खरपतवार को उखाड़ फेंकने का काम चुटकियों में कर देती है। इसके नीचे की तरफ एक रोलर लगा रहता है जो कि खरपतवार उखाड़ कर एक टैंक में इकट्ठा करता रहेगा। वहीं दोस्तों ये चैन मैकेनिज्म पर काम करती है जिससे कि इसे आसानी से किसी भी तरीके के सरफेस में ऑपरेट किया जा सकता है। नंबर 11, एमएक्स ट्रांसपोर्ट ट्रॉली। दोस्तों आप जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मल्टीपर्पज यूज में आने वाला गैजेट होता है। दरअसल देखा जाए तो ये एक तरीके की ट्रॉली होती है जिसमें कि आप किसी भी सामान को लोड एंड अनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बीचों बीच आपको एक बड़ी सी बकेट मिल जाती है जिसमें कि काफी स्पेस होता है और ये पूरी की पूरी बकेट आपको एक फ्रेम पर देखने को मिलती है जिसमें कि व्हील्स लगे होते हैं, जिससे कि इस बकेट को ट्रांसपोर्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। फिर चाहे बात हो किसी कंस्ट्रक्शन की या फिर फार्मिंग वगैरह की, इसे दोनों ही जगह पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी सामान को ये आसानी से ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। तो इस गैजेट की मल्टीपर्पस यूटिलिटी ही इसका सबसे बड़ा फीचर है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, नॉर्दर्न रफनेक लिफ्टिंग टंग। फार्मिंग के दौरान काफी सारा लोड कैरी करना पड़ता है जिसमें कि ज्यादातर लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिन्हें कि उठाना कोई आसान बात नहीं होती। हम लोग इसके लिए छोटी छोटी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इजीली उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सके, लेकिन किसी भी मशीन के लिए नॉर्मली लकड़ी को उठाना आसान बात नहीं होती क्योंकि पहले तो आपको उसे अच्छे से टाइट करना पड़ता है और उसके बाद भी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी होती नहीं है। लेकिन इस अटैचमेंट को अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा अटैचमेंट होता है जिससे कि खास तौर पर लकड़ी वगैरह को उठाने के लिए ही बनाया गया है। इसे आप नॉर्मल किसी भी मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। इसमें आपको दो क्लॉस देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी नुकीली होती हैं, जिसमें कि लकड़ी का लट्ठा आसानी से फंस जाता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप कर पाता है। तो दोस्तों इससे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर लकड़ी वगैरह को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 9, नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल हैंड ट्रक। भारी सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है तो वैसे तो काफी मुश्किल आती है, लेकिन मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब उसे सीढ़ी चढ़ाकर ऊपर की तरफ ले जाना पड़े। तो ऐसे में ये गैजेट आपकी हेल्प कर सकता है जिससे कि ये काम आप चुटकियों में कर पाएंगे। ये एक तरीके की ट्रॉली होती है जहां पर व्हील्स को कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है कि इसमें तीन तीन व्हील्स का सेट मिल जाता है जो कि स्टीयर्स पर काफी ज्यादा मूवेबल होता है और जैसे जैसे आप इसे ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो ये व्हील्स रोटेट होते हैं जिससे कि ट्रॉली ऊपर की तरफ लिफ्ट होती हुई चली जाएगी। यानी कि इन व्हील्स की मदद से बड़ी ही आसानी से चीज और सामान को ऊपर स्टेयर्स में चढ़ाया जा सकता है। तो इस गैजेट की खास बात यही रहती है कि इससे आप भारी सामान को भी आसानी से सीढ़ियों पर चढ़ा सकते हैं जो कि ऐसी जगहों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिन्हें कि अक्सर सामान वगैरह की शिफ्टिंग करनी पड़ती हो। नंबर 8, बेलफास्ट। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका यूज बेहद सिंपल रहता है। जब भी किसी पेड़ को काटा जाता है तो एक सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि वो किस तरफ गिरेगा, यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरफ आप बैठकर पेड़ काट रहे हो वो उसी तरफ आ गिरे, तो ऐसे में चोट लगने के चांसेस काफी होते हैं। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजेट को। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जिसे कि पेड़ काटने के दौरान आप पेड़ के नीचे की तरफ लगा सकते हैं जिससे कि बैलेंस कुछ इस तरीके का बनता है कि पेड़ आपकी साइड बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि इसका शेप ही कुछ ऐसा रहता है कि पेड़ दूसरी तरफ जाकर ही गिरेगा। वहीं इसके साथ आपको एक ड्रिल मशीन जैसी भी देखने को मिल जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेड़ कटने के बाद भी वो गिरता नहीं है, तो ऐसे में इस गैजेट की हेल्प से आप बड़ी आसानी से किसी भी पेड़ को दूसरी तरफ गिरा सकते हैं। नंबर 7, यूलाइन स्ट्रिपिंग पेंट। दोस्तों आपने रोड्स में डिवाइडिंग लाइंस बनी देखी होंगी और अगर आप किसी पार्किंग में जाते हैं ठीक ठाक तो वहां पर भी पार्किंग लाइंस बनी होती है। कभी आपने सोचा है कि आखिर उन्हें किस तरीके से बनाया जाता होगा? अक्सर आपने उसको बनाने वाली मशीन्स वगैरह भी देखी होंगी, लेकिन दोस्तों वो इतनी भारी भरकम होती है जिन्हें की ऑपरेट करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इस मशीन को देखेंगे तो ये काफी छोटी होती है जिसे ऑपरेट करना भी बेहद आसान सा रहेगा। इस छोटी सी मशीन की खास बात ये रहती है कि ये 2 से 4 इंच तक की पार्किंग लाइंस प्रिंट कर सकती है जो कि देखने में काफी अच्छी लगती है। वहीं इनकी कलर को भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नंबर 6, बीज क्लीनर सैनिया।
आजकल बीचेस में काफी गंदगी बढ़ती जा रही है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग बॉटल्स वगैरह को यूं ही फेंक देते हैं बीच पर, जिससे कि गंदगी बढ़ती है। और अगर कांच की बॉटल्स होती हैं तो ऐसे में वो टूटकर किसी के पैरों में भी लग सकती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में समय समय पर बीचेस की सफाई करी जाती है, जिसमें कि कुछ इस तरीके के गैजेट को काम पर लगाया जाता है। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि बीच को अच्छी तरीके से साफ कर सकता है, वहां की रेत को अच्छे से छानकर। इसके अंदर एक रोलर लगा रहता है जो कि बीच पर पड़ी हुई रेत को उठाकर छानने का काम करता है, और साथ ही उसे सपाट भी करता जाता है, जिससे कि ना सिर्फ वो जगह देखने में अच्छी लगती है बल्कि उस जगह की सारी गंदगी भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से बीचेस को बहुत कम समय में साफ किया जा सकता है, और ये ऐसे बीचेस के लिए तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पर टूरिज्म काफी ज्यादा हो। नंबर 5, HTS इको स्केट। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि काफी ज्यादा भारी भरकम होती है, जिन्हें कि जनरली एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के रखना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना हो तो एक ही तरीका होता है कि आप उन्हें खिसका के वहां पर ले जाएं। लेकिन दोस्तों, जब बड़ी बड़ी मशीन्स की बात होती है तो अगर आप उन्हें यूं ही खिसकाते हैं तो वो डैमेज हो सकती है, जिसके लिए खासतौर पर इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि एक तरीके की स्केट होती है। ये बेहद सिंपल से मैकेनिज्म पर काम करती है, जिसके ऊपरी हिस्से में एक प्लेटफॉर्म होगा और निचले हिस्से में व्हील्स लगे होते हैं। 360 डिग्री में रोटेट हो सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से। साथ ही अगर आप चाहें तो इसमें आपको एक हैंडल भी मिल जाता है, जिसे कि आप अटैच करके ड्रैग करके इजीली कहीं भी ले जा पाएंगे। तो अगर आप इसके ऊपर कोई भारी भरकम मशीन वगैरह रख देते हैं तो उसे शिफ्ट करना बेहद आसान हो जाता है। इस तरीके की गैजेट की जरूरत खासतौर पर वहां पर बहुत ज्यादा पड़ती है जहां पर काफी भारी भरकम मशीनें होती हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड की। तो ऐसे में उनकी सेफली शिफ्टिंग के लिए ये गैजेट काफी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 4, फेडा लिफ्टिंग यूटिल्स। दोस्तों, आपने सीवेज चैम्बर्स देखे होंगे। कभी कभी कुछ सीवेज चैम्बर्स ऐसे होते हैं जिन्हें की खोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो उनमें कोई हुक होता है और ना ही कोई ऐसा तरीका होता है उन्हें खोलने का, जिससे कि आप उसे आसानी से बाहर निकाल सके। तो ऐसे में आपको जरूरत होती है इस टूल की, जो कि खास तौर पर ऐसे ही कामों के लिए बनाया गया है। ये एक तरीके का फोल्डेड मोड में रहने वाला टूल रहता है, जिससे कि किसी भी साइज के चैम्बर के हिसाब से इसे एडजस्ट किया जा सकता है। और जब भी आप किसी भी चैम्बर को ओपन करना चाहें तो बस इसे बड़ी ही आसानी के साथ उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस गैजेट के यूजेस ही सिंपल से रहते हैं, लेकिन ये गैजेट भी अपने आप में काफी यूनिक है और एक ऐसे काम के लिए बनाया गया है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। नंबर 3, डिपर फॉक्स। किसी भी पेड़ को काटने के बाद उसका निचला हिस्सा यानी कि उसकी जड़ हमेशा बच जाती है, जिसकी वजह से फिर कुछ दिनों में पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपने किसी भी पेड़ को पूरी तरीके से काट दिया है तो इस गैजेट की मदद से बड़ी आसानी से उसकी जड़ को भी खत्म किया जा सकता है। ये एक तरीके की ड्रिलिंग मशीन होती है, जिसे कि बस आपको पेड़ की जड़ के ऊपर रखना है और जैसे ही आप इसे चलाते हैं तो वो पेड़ की जड़ को अच्छी तरीके से खत्म कर देती है। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी पेड़ को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है उस जगह से, जिससे कि वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा सके। तो वैसे तो डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी ऐसी जरूरत आती है जहां पर हमें पेड़ को पूरी तरीके से हटाना है तो ये गैजेट की आप हेल्प ले सकते हैं। नंबर 2, बैरॉन इजी अप। रोड की साइड में वैसे तो फुटपाथ बने होते हैं, लेकिन कभी न कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई पाइपलाइन वगैरह डालनी है तो उस पूरे फुटपाथ को हटाना पड़ता है, जिसमें कि अच्छा खासा समय लग जाता है। लेकिन इस काम को आसानी से करने के लिए इस तरीके का गैजेट भी होता है, जिसकी मदद से बड़ी ही आसानी से फुटपाथ टाइल्स को हटाया जा सकता है। इस गैजेट की बनावट एक स्टिक जैसी होती है, जिसके ऊपरी हिस्से में ग्रैब हैंडल्स लगे होते हैं और निचले हिस्से में आपको एक ग्रिपर देखने को मिलेगा, जिससे कि बड़ी ही आसानी से आप इसे टाइल्स में फंसाकर ऊपर की तरफ खींच सकते हैं और टाइल्स बड़ी ही आसानी से बाहर भी आ जाएगी। तो इस गैजेट की से बिना टाइल्स को तोड़े उसे आसानी से फुटपाथ से बाहर लाया जा सकता है। नंबर 1, गोएबल गोव 12R। दोस्तों, कभी अगर आपने गाड़ी में नंबर प्लेट लगते हुए देखा होगा तो आपको इस बात का पता होगा कि किस तरीके से नंबर प्लेट को गाड़ी में पंच कर दिया जाता है, जिसके स्क्रू को आप यूं ही नहीं खोल सकते। तो ऐसे में एक पंचिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि ऐसे स्क्रू को टाइट कर दिया जाता है कि आप उसे ओपन ना कर पाए। तो ये गैजेट खासतौर पर एक तरीके की पंचिंग मशीन ही होती है, जिससे कि किसी भी स्क्रू को कुछ इस तरीके से टाइट किया जाता है कि वो नॉर्मली नहीं खुलता। इसका इस्तेमाल खासतौर पर नंबर प्लेट्स वगैरह लगाने के लिए किया जा सकता है गाड़ियों में, जिसे कि इस्तेमाल करना भी बेहद आसान सा रहेगा। तो इस छोटे से गैजेट के लिए एक लाइक तो बनता है, जिसके यूजर्स भले ही छोटे से हो लेकिन काफी काम की चीज रहती है। तो कमेंट करके बताएगा ये गैजेट आपको कैसा लगा है। वहीं इस वीडियो का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।